इमरजेंसी घोषित इमरजेंसी लागू हो रही है, भाई चालन देना खड़ा क्यों है। तो फिलहाल जो है प्रदेश के अंदर युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं भाई, क्योंकि चाहे शंभू बॉर्डर की बात करा, टिकरी बॉर्डर की बात करा, दाता सिंह वाला बॉर्डर की बात करा, तो फिलहाल टिटोली गांव तक लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और ये देखो भाई सामने तम देखोगे किसानों ने आड़े धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है। किस तरह की मांग है, लगभग वैसे तो लगभग सारे ने बेरा है भाई, थोड़ा चलन दे, वैसे तो लगभग बेरा है सब ने भाई किस तरह की मांगे हैं, किसानों के साथ किस तरह की धोखाबाजी, किस तरह की धोखाधड़ी हुई, उसी को लेकर दोबारा तक किसानों ने हुंकार भर दी है। फिलहाल रोहतक का टिटोली तय लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। क्या नाम भाई का? भाई राजेश नाम अपना। तो राजेश भाई किस तरह की के लग गए हमने, किसानों के साथ किस तरह की धोखाधड़ी हुई जिसकी वजह से 16 फरवरी को दोबारा तक किसानों ने भारत बंद का ऐलान करना पड़ा। धर्म भाई बात यह है कि हम लोग किसान थे, लेकिन आज गवर्नमेंट ने हम शोषित समाज बना दिए। आज गवर्नमेंट ने हम शोषित समाज बना दिए। अच्छा। ना तो जितने भी मांग मंगारी मांगी गई हैं आज तक उसके ऊपर, पहले 3 साल पहले जो धरना खत्म कराया गया था उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने कही थी कि भाई आपकी मांग पूरी हो जाए उठ लो, यूं कहा था कि जितने भी किसानों को प्रमुखत में वो वापस ले लिए जाऊंगे। मैं बताता हूँ उस संदर्भ में एक कमेटी गठित करी गई थी, उस कमेटी ने आज तक एक भी बात का वो जवाब नहीं आया, ना है तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का ही, ना ही MSP आया, ना ही जो किसान दर्ज हुए थे मौत हुई थी उनको मुआवजा थोड़ा न्याय नहीं मिला जी। लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए थे उनकी बात करा, हाँ उनके बारे में कोई न्याय नहीं मिला। क्या नाम भाई अपना? राजेश नाम है। राजेश भाई मेरा एक बात नहीं समझ में आ रही, तो हम आड़े क्यों कर बैठे हो, मतलब ये जगह क्यों कर सुनिश्चित करी? धर्मो भाई जी ऐसा है, ये आम जन का रोड है। अच्छा। और हम शांतिपूर्ण धरना हमने पहले भी टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे दिया था, सिंह बॉर्डर पे, उस भी हमने आम जन के लिए रास्ता रोका, कोई रास्ता नहीं रोका था, अलग से हमारा रास्ता था, आम जन को जाने अलग से रास्ता था, इसीलिए भी हमने हाईवे से अपने खेत में बैठे हैं ताकि। बड़ी बात है भाई, देखो ये बड़ी बात है, हाँ इनका कहना है हमने आम आदमी को परेशान नहीं करना, रोक दे बाइक पर, देखा किस तरह की हुंकार भर रहे हैं। फिलहाल जो है तम देख सको हो, फिलहाल तम देख सको हो सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं टिटोली गांव के अंदर भारी संख्या में बैठे हैं। और तम देख सको सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल छह में जो रोड है, हाँ जी राम राम जी, राम राम जी, धन्यवाद भी करते हैं, हमारी बहुत खबर सरकार की तरफ पहुंचाते हैं, बिल्कुल जी, तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करूं। मैं मेरे आने प्रोग्राम बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते करते हूं, धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो फिलहाल ये लाइव चल रहा है जी प्रोग्राम, आज जी और सीट पे, क्या नाम है जी आपका? धन्यवाद प्रीत सिंह। अच्छा थोड़ी थोड़ी, हाँ थोड़ी देर के लिए जी, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है, सबसे बड़ी हमने खास बात, एक मिनट, हाँ जी, 8 घंटा और आपने शांति का दान देना, उसके बाद प्रोग्राम फिर, हाँ बिल्कुल, उसके अकेले जोड़ दे भाई माइक, आवाज थोड़ी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, फिलहाल देखो इस धरने की मैंने जो सब तक खास बात लगी, यानी कि सरकार और प्रशासन जो चीज साबित करना चाहे, मन ऐसा लगे न्यू साबित करना चाहे कि जो किसान है वो आम आदमी को परेशान करने खातर खड़े हो रहे हैं, जबकि सामी कैमरा मैन तिकूंगा दिखा दे भाई, सामी हाईवे किस तरह से बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई धरना प्रदर्शन का ओड़े कोई मतलब नाम निशान भी कोनी, लेकिन आड़ा मैं किसानों तक पहुंचा हूं तो उसके लिए मैंने कई सारे बैरिकेटिंग क्रॉस करनी पड़ी। फिलहाल हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर तो मैं चल रहा था, जोड़ा की हालात काफी खराब हैं। रास्ता में अगर मैं बात करूं तो पौड़ी में सीमेंटेड बैरिकेटिंग बना दी है, मतलब क्या साबित करना चाह रही है सरकार? सरकार साबित कुछ नहीं करना चाहती जी। सरकार तानाशाही दिखाना चाहती और दिखाने लाग रही है, क्योंकि इस सरकार का प्रजातंत्र में और देश के संविधान में विश्वास नहीं है, गड़बड़ है आड़े, ये आम जनता ने आम जनता नहीं मान रहे, कीड़े मकोड़े मान रहे हैं, इनके तो जो इंसान जिन ने मानने हैं वो कारपोरेट घराने हैं, टाटा बिरला डालमिया, एक ये और है कोई नया के हो अडानी, अदानी गौतम अदानी, इनके तैसे मानस हुए, हमने ये मानस नहीं मान रहे, क्योंकि किसान 2 साल बाट देख ली, जब हां भरी थी कि आपकी जो मांग है जायज, कानून तो उल्टे ले लिए, माफी भी मांगी मुख्यमंत्री ने, लोग आते कि हम नहीं समझा पाए, कोई बात नहीं तू ही समझ ले भाई, हमने समझा दे, जो हां भरी थी वो उन्होंने लागू नहीं करी, कमेटी भी नहीं बनाई, कमेटी भी जब हमने पूछी कमेटी बनाओ थे, बोले हमने बना रखी है,
वह जो कमेटी है वह स्वामीनाथन खातर नहीं बनाई। बोले हम तो प्राकृतिक खेती ताई कमेटी बनाई थी, स्वामीनाथन ताई नहीं, सरकार मुकर की। हम दो साल बैठे रहे, बाट देखी, रोजाना धरने प्रदर्शन करे, उस दिन के कोई घर थोड़े जाली हने चलाए नहीं रह रही, लेकिन फिर भी बाट देख का पाने मजबूरी बस ये रोड से तले बैठना पड़ा। और जहां तक रोड की बात है, प्रशासन सरकार बनने वाला, हम अपने बहन भाइया का रोड क्यों रोकांगे? ये बड़ी बात है, आम जनता खातिर है रोड, वह हमारे भाई, हम उनके भाई बहन, हम अपने आदमियों ने क्यों दुखी करांगे भाई? क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीत सिंह है, मैं किसान सभा का जिला अध्यक्ष। तो प्रीत सिंह जी, 16 तारीख की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत बंद का आह्वान किसानों ने कर रखा है और दिल्ली कूच की जो तैयारी है उसको रोकने के लिए जगह जगह प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी है, जगह जगह सड़कों में कील बिछा दी है। यानी कि आम आदमी मन ऐसा लगे तारी वजह तो परेशान हो न हो, लेकिन प्रशासन की वजह तो जरूर परेशान हो लिया है। क्यों जी, मान लो यह बात, किसान की बजाय प्रशासन की और सरकार की जो गढ़ घोटो नीतियां हैं उसकी वजह तो मेरे ख्याल से आम आदमी परेशान हो लिया है। कल के भारत बंद का जहां तक सवाल है, संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया का है, उसकी काल है। एक भी मैं कमान नहीं बच रहा हो जो इसने समर्थन नहीं कराया हो भारत बंद का 16 तारीख का। कम्प्लीट बंद रहेगा, ये जो दीवार काटे है ये तो फिर हड़ताल तो इससे ज्यादा और पुख्ता होगी ना। लोगा ने जाना है, इन दीवार काट दी, लोग बैठ जाएंगे, रास्ता जाम। प्रीत सिंह जी, मन ऐसा लगे सरकार जो है वो प्रमोशन करने लग रही है आंदोलन की। जगह जगह जो जुगर चाइना की दीवार लग रही नी, इस डाल की दीवार काट के मेरे ख्याल से प्रमोशन करने लग रही है। अभी किसानों ने इतनी बड़ी उंकार भर दी जिसकी वजह से आम आदमी परेशान हो गया। ये सरकार की बेउदगी है, सरकार ताई की ने बता रखी है भाई कानून हाथ में लेना, हम तो आड़े बैठे थे आड़े ता दिए, और वह दीवार काट ला उनका करे, जो कारपोरेट घराने हैं जो पहले देश ने लूट का कह रहे हैं उनका कर्जा माफ। इस बात का आपकी का बिल्कुल पूरी तरह समर्थन करता है हमारा धरना, ये साची बात है। उनके 24 लाख 25 लाख करोड़ रुपये अम्बानी अंदानी अरके उनके करे है पाछे ही माफ, किसान का करना नहीं चाहते। इसलिए जो आपकी बात है ये जायज है, क्योंकि इनका कर्जा माफ नहीं करना चाहते। कॉरपोरेट का कर्जा हर रोज माफ करते, उनके टैक्स भी घटाने लाग रहे हैं, तो ये बात ठीक है। और सरकार बातचीत पे नहीं आ रही, सरकार गुमराह करना रही है, अपने पल्ला झाड़ना रही है, उत्ता दे रखा है बातचीत का। तो बातचीत पे आवे तो साफ नीत आवे, गुमराह करने खातिर ये नाटकबाजी ना करें। यानी प्रीत सिंह जी, आप यह बात अपने कहते कैसे को भाई किसान नेता बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है? इनमें तो कोई दो राय नहीं, हम तो बाट देखा हाज सामने 5 बजे खबर आवे सरकार ने मांग मान ली, तड़का अपने खेता ने संभाला, परिवार ने संभाला, डांगे डोरा ने संभाला, अरे कोई बोर में थोड़े बैठे हैं। सरकार हमारी मांग नहीं दे रही, मजबूरी बस हमारे घास में दरी बिछा रहे हैं, इसलिए बात। तो कल 16 तारीख है और पूरे उसमें जो किसान मोर्चा है उनकी तरफ से भारत बंद का ऐलान है, उसके लिए आप लोगों का किस तरह से आह्वान है, जो जगह जगह जो धरने प्रदर्शन है, क्योंकि पूरे प्रदेश में फिलहाल युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात जो है पूरे प्रदेश में बन रहे हैं, ऐसे में उन किसानों को क्या कहना चाहोगे जो जगह जगह अलग अलग गांव में या बैठे धरना प्रदर्शन पे? एक ले किसान किसानों को नहीं, भारत बंद है, इसमें सारे महक में शामिल है। हम सभी को ये कहना चाहते हैं कि कल जो है किसान तो मैंने भाई अपील करी है, बिरसिंह भी अपनी आज ली आई हो, तड़के ग्रामीण हड़ताल होगी ना, बाजार में कि मैं बेचन जावा ना खरीदन जावा, और गांव के भी जो दुकानदार हैं हम उन भाइया तहत जोड़ के अपील करांगे आज दुकान ना खोलो तुम, आज भारत बंद है। और हमारी ये योजना है कि उड्डा सिटी पार्क है जो पुरानी जेल थी नए बस अड्डे के सामने, हम 10:30 बजे उड़ा इकट्ठे होकर और जुलूस भी लेके जाएंगे, और जो व्यापार मंडल के संगठन है उनते भी अपील करांगे कि इस जो भारत बंद है आप इस हड़ताल में शामिल हो, इनका समर्थन करो। अच्छा प्रीत सिंह जी, सरकार ने जो खेल स्टेडियम है जगह जगह उनको एक तरह से जेल में तब्दील कर दिया है और कुछ इस तरह की तैयारी कर दी है कि भाई किसान यदि अपना प्रदर्शन उग्र करेंगे तो उनको स्टेडियम में जेल के तौर पर उसमें कैद कर दिया जाएगा, इस तरह की चीजों को लेकर क्या कहना चाहोगे? किसानों की तो जेल की उड़ा ले जाने की स्टेडियम में क्या जरूरत है? 28 तारीख ने जो पहलवाना की काल थी हमारी बेटिया की, हम तो घर में बंद करे थे,
मैं तारे सिल्ला बाईपास पे हमारा दफ्तर है उड़ा लिए 4 बजे बोले के तब भाई इतना आड़े बंद कर दिया के तू जीप में मारी गैल चाल तुम 8 खा गड़ा रहे हो थरी कोण मारे सापन चा बनाने पे ला गया रहूंगा मन ले चलो दिल्ली ना जान दिनते थे भाई और जो हूड़े वो चा चूपी ली बोला रोटी नहीं खागा खरी वो बेचारे निशान भी ठीक थे बोले रोटी आज मारे खातर खानी है उड़े जाकर थानेदार बैठे पाया उन्होंने तो बोला जी परीत ने इतने मुआवजे दवाए है लोग बोले बोर पाचे मारियो पर चा मंगवा लो हमने तो धन्यवाद करा उनका 3 बजे मैंने कही भाई दिल्ली वाला खतरा तो लिया जा मैंने जा लेने दो बोले गाड़ी आओगी इतने छोड़ गा मां मेरा क्यों जुलूस का डो सकूटी है मैं चला जाऊंगा 50 और बूझेंगे प्रीत ने ले गए थे। तो भाई किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो है सरकार की एक तरह से न्यू कैसका के सरकार थराई हुई है और पूरे प्रदेश के कई सारे जिला में इंटरनेट सेवाएं जो है पूरी तरह से रोक रखी है। उसका है यह वीडियो जब तारा तक पहुंचेगी तो हालात कुछ और बदल जाएंगे लेकिन फिलहाल तो हम देख सको हो किसान जो है अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग पोजीशन लेकर बैठे हैं और अपनी जो मांग है किसानों की जो मांग है उनको लेकर के फिलहाल हमने कितने भी किसानों का कोई उग्र प्रदर्शन आज इब तक हमारी जानकारी में तो आया को नहीं है। हाँ शंभू बॉर्डर की बात करा योड़ा हालात काफी खराब हो रहे हैं पुलिस प्रशासन और किसान आमने सामने है जिसमें कि किसानों के भी काफी चोट आई है और पुलिस के जो जवान हैं उनका भी चोट आई है। तो जय तो हमका वहां फिलहाल जो है हरियाणा प्रदेश में अघोषित आपातकाल लागू है एक तरह से और कुछ इस तरह के हालात हो रहे हैं जैसे युद्ध के हालात होया करें। तो प्रशासन तक सरकार तक हमारी अपील है अभी जो किसानों की जो जायज मांग है और हमने इसमें कोई भी नाजायज मांग नहीं लागी क्योंकि जो नकली उर्वरक बनाने वाली कंपनियां हैं या नकली बीज या इस तरह के धोखाधड़ी जो किसानों के लग रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा कसन की बात किसानों की अपील है। और जिस तरह खीरी कांड हुआ था उसमें जो किसान शहीद हुए थे उनको मुआवजे की अपील है किसानों की। किसानों के ऊपर आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापिस लेने की अपील है। इस तरह की अपील है जो कि कोई इनका कोई घरेलू तो कोई मामला है को नहीं। तो हमारी सरकार तो अपील है कि इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटा गया और आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त करवा जाए। तो हाँ जी मात्र शक्ति बैठी है तो 3 वक्त और रह गए हैं। हाँ जी बस 21 मिनट का प्रोग्राम है एक बार जी पुरान आप बैठे रहे। अच्छा जी ठीक 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 राम राम जी राम राम। तो क्या लगा 16 तारीख को लेकर किस तरह की क्या तैयारियां हैं जी और सरकार की जो मंसूबे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहूंगा। भाई साहब हम तो 1 साल तो पहले वेट कर लिए शुरू हो गए 2 महीने टाइम दिया था उन्होंने भाई हम कमेटी बना लेंगे तो हमने बुला लेंगे और थारा निर्णय कर लेंगे। 2.5 साल हो गए कोई तो हमारे दौरे कॉल नहीं आई उनकी आ जाओ भाई हम बैठ के भाई बतलावांगे भाई थारा निर्णय करांगे बाट देख के फिर उठ लिए दिल्ली जान खातर तैयार थे फिर वो एक ही लड़कल में एक पत्थर ला दिए पहला रोड रोक क्या था करते मजबूरी में किसान किसान ना बदल मुकदमे बन जा रहे खुद सरकार रोक कर किसान खुलवाओ है। ये देखो ये बड़ी बात है भाई या कुछ अलग बात है क्या नाम प्रधान जी आपका। जयवीर कुंडू कुंडू का प्रधान। जयवीर जी ने बहुत अलग बात बताई भाई फिलहाल जो पोजिशन चल रही है यानी के रोड को रोकने का जो काम है वो सरकार और प्रशासन द्वारा कराया जाने लग रहा है। आप लोग तो चाहो भी रास्ते खुले हैं मतलब रास्ते 2 डाल के बंद है एक तो रोड जाम है दूसरी बात दूसरा रास्ता है बातचीत का रास्ता वो भी लगभग जाम है मतलब नकली सकली बातचीत करें। कहानी इसमें एक और है जी जब नाके लाने का टाइम था ना उस टाइम तो नाके खोले गए जो फौजी मरे थे नाके लाने का वो टाइम था जो के सारी बार नाके रहे अगर थे उस टाइम वो गाड़ी आई जब नाके खोले गए थे इब हमारा दिल्ली जाने का टाइम आज हम नाके ला दिए मिलिट्री गेल थी ये रोज उग्रवादी मान ला रहे मिलिट्री ने छोड़ दो हम के ले रहे हाँ डंडी ले रहे ना लाठी ले रहे ना हाथ जोड़ा सारे गए भाई हमारी मांग है ये हमने दे दो और हम अपने घर डिगर जावांगे अपने बड़का दौरे डिगर जावांगे इस चीज में सरकार खड़ी नहीं सरकार ने कुछ लड़ांगे। सरकार के जो नुमाइंदे हैं प्रधान जी वो न्यू भी कहे हैं कि भाई ये जो किसान धरना पे बैठे हैं इनकी नीत में कितने कितने राजनीति घुस रही है इसमें कितनी सच्चाई है। देखो जी हम तो जब चौटाला साहब थे ना इस देश इसमें हरियाणा में उसकी खुद पार्टी का वर्कर था यो रोड कंडेला कांड में हमने 23 दिन बंद कराया था 23 आदमी पकड़े गए थे
आड़े हमने हलवा बनाया, सब रोड खुल गए थे। हमने 23 दिन में चौटाला साहब ने मारती सारे डालगा लालच दिया था, नौकरी दिवा दें, भाई दारू के ठेके दिवा दें। हमने नहीं बताई थी, पहले हमारा भाईचारा है, पाछे राजनीति है। और तो हम ही किसान किसान हर किसान के लिए है। हमने ना तो भूपी तो मतबल, ना हमने मोदी तो मतबल, ईब लड़ाई है हमारी किसान की, वोट कोई कितने गेरो। और तो महाराज राजनीति का इसमें कोई राजनीति का मनसा नहीं आने देंगे जी हमारे। ये तो सारा किसान वर्ग है और मजदूर वर्ग है, अपनी इस लड़ाई खातिर मांग खातिर खड़े हैं। प्रधान जी, मैंने ऐसा लगा तीन वर्ग हाड़े, एक तो किसान वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है और एक मजबूर वर्ग है। मजबूर भी है, मजबूर तो सारे है जी, मजबूर तो सारे, आप भी मजबूर हो, मजबूर सारे हैं जी। और तक कोशिश कर रहे हैं जी, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करा हा, शुद्ध बुद्धि हो जाए, हमारे ये जो मांग है पूरी कर दे, हम अपने घर आगे कर जाओ। तो भाई इन तस्वीर पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में तम भी जरूर लिख दियो कि इस तरह की परिस्थिति, यानी कि जो प्रदेश के फिलहाल हालात चल रहे हैं, फिलहाल घोषित इमरजेंसी जो चल रही है, युद्ध जैसे जो हालात चल रहे हैं, इसके लिए कसूरवार आखिर कौन, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो भाई। कर दो वीडियो ने शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान। थोड़ा ठाडू ठाडू आन दो जी, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। कर दो भाई शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।